experiments in real life as we discussed their happenings and circumstances in the real life situations where our experiments can or cannot be conducted or we can find some way of experimentally testing something outside the lab and or to take a lab learning into the real life so many experiments are designed with the social behavior in, in mind because social behavior actually occurs in a natural situation. lab is a limited interaction with other human beings. i am giving example of a study which one of our own scientists um, has uh, designed and carried out its unpublished uh, student research. but this experiment was done according to the method and procedures of an experimental method and topic of interest was self-esteem and recall accuracy can positive or negative self-statements impact memory recall in this study the authors describe they manipulated self-esteem by asking participants to claim to themselves that they were either successful or failures and then द रिसर्चर्स ट्राइड टू सी इफ द दिस क्लेम इम्पैक्टेड परफॉर्मेंस ऑन अ मेमोरी टास्क तो आप अपने आप को कह रहे हैं कि मैं तो बहुत नाकाम इंसान हूँ या मैं बहुत कामयाब इंसान हूँ और ये अपने आप को स्टेटमेंट देने के बाद उन्होंने कोई मेमोरी का टेस्ट परफॉर्म किया और ये देखने का करने का पर्पज़ ये था कि वो ये देखना चाहते थे कि ये जो तारी हुई है सेल्फ स्टीम कहने से कि मैं नाकाम हूँ या मैं कामयाब हूँ उससे उस टास्क पे क्या फ़र्क पड़ता है क्योंकि थेरी ये कहती है कि हमारी सेल्फ इस्टीम हमारी सेल्फ एफिकेसी से रिलेटेड है यानी हम कितना अपने आप को केपेबल समझते हैं और उसी से हमारी परफॉर्मेंस रिलेटेड होती है अगर आप अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझते कि कोई काम कामयाबी से कर सकें तो फिर आप वो काम कामयाबी से नहीं कर सकेंगे तो उस थेरी पे बेस करके ये बनी पार्टिसिपेंट्स को दो ग्रुप में इन्होंने डिवाइड किया द सक्सेसफुल ग्रुप और द फेलर ग्रुप ठीक है आसानी से फॉलो होने वाला एक्सपेरिमेंट है इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड पार्टिसिपेंट्स जो सक्सेसफुल ग्रुप के थे उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखी बार बार आई एम सक्सेसफुल और जो फेल्योर ग्रुप के सब्जेक्ट्स और पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने स्टेटमेंट लिखी आई एम अ फेल्योअर सॉरी उन्होंने भी स्टेटमेंट लिखी आई एम सक्सेसफुल और रिपीटेडली फिर दोनों ग्रुप्स को ऐसी टास्क दी गई जिसमें उन्होंने मेमोराइज करना था एक प्रोवाइडेड स्केड्यूल था आफ्टर मेमोराइजिंग द स्केड्यूल पार्टिसिपेंट्स देन रिक्वायर्ड टू रिकॉल द इवेंट्स एंड देन पुट देम इन द करेक्ट ऑर्डर द रिजल्ट शोड दैट देर वॉज नॉट अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स दिस स्टडी कुड हैव इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन इन डोमेन सच एज एकेडीमिया Future research would include using a larger sample size, changing the memory task, and using a self esteem pre post design. Overall, the results obtained in this experiment did not support the hypothesis that claiming that I am successful or claiming that I am a failure would have an impact on scores of a memory recall test. एक एक्सप्लेनेशन इसकी ये हो सकती है आपने उन्हें कहा कि वो कहें मैं सक्सेसफुल हूं या वो ये कहें कि मैं नाकाम हूं और कोई फर्क नहीं आया उनकी मेमोरी टास्क पे तो उसको एक एक्सप्लेनेशन ये है कि सिर्फ ये कहने से कि मैं कामयाब हूँ या मैं नाकाम हूँ इससे उनकी सेल्फ स्टीम में कोई फर्क नहीं पड़ा एक्सपेरिमेंट किसी हाइपोथेसिस को प्रूव भी कर सकते हैं और डिसप्रूव भी कर सकते हैं इससे भी हमें पता चला कि जो हम सपोज कर रहे थे प्रपोज कर रहे थे हाइपोथेसाइज कर रहे थे रिज़ल्ट उसके मुताबिक नहीं आए इसका मतलब है कि वो बात दुरुस्त नहीं है शायद सेल्फ स्टीम इस जुमले से कम अज़ कम इस एक्सपेरिमेंट की हद तक नहीं बढ़ी दे कैन आई दर रिपीट कीप रिपीटिंग दिस विद मैनी पीपल एंड सी कि कितनी दफ़ा ये उनको ये रिजल्ट मिलता है या इसके अपोज़िट रिज़ल्ट मिलता है या वो ओवर द टाइम जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ इसको कर सकते हैं एक और एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि पार्टिसिपेंट्स को बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया मेमोरी की टास्क पे और मेमोरी की टास्क बहुत ईजी थी वो सेल्फ़ इस्टीम से उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता था uh, उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप कैसा फील कर रहे हैं अपने बारे में तो इसलिए हमें तो पता नहीं चला सेल्फ स्टीम हुई कि नहीं हुई और अगर हुई तो वो मेमोरी से कोई फ़र्क पड़ता भी था कि नहीं आसान सा काम था अब इसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो ये हैं कि ये एक बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन की तरह यूज़ किया गया रेंडम असाइनमेंट की गई कॉजल इंफरेंसेस की जा सकती थी मेमोराइजेशन uh, टास्क को इकोलॉजिकल वैलिडिटी यानी बाहर भी लोगों पे टेस्ट करके देखा गया ताकि वो आसानी से एक ऐसी चीज़ उन्हें दे सकें जो वो डेली लाइफ्स में भी करते हैं लिमिटेशन ये हैं कि इन्होंने कोई सेल्फ स्टीम मेजर नहीं की के देखने के लिए कि उनकी मैनिपुलेशन सक्सेसफुल थी कि नहीं सैम्पल साइज काफ़ी छोटा था एंड मेमोरी टास्क की जो डिफ़िकल्टी बहुत कम थी और उसका टाइम लंबा था पर्पज़ ये एक्सपेरिमेंट बताने का ये है कि रियल लाइफ के लिए जो सोशल साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट हम करते हैं ऐसे वेरिएबल पे जो टिपिकली एक सोशल बिहेवियर का या हमारे सेल्फ रिलेटेड वेरिएबल है जैसे सेल्फ इस्टीम तो अच्छे एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करने का क्राइटेरिया कैसे पूरा किया जाता है खासतौर पे हमारे अपने रिसर्चर जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं